हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जे के ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, इस चैनल पे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं या जो भी वैकेंसी निकलती हैं उन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, अभी जो हमारे बिहार पुलिस की जो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी हैं और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के जो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाला या जिनको जानकारी नहीं है कि उनका एग्ज़ाम कहाँ पर है, किस समय है, किस जगह पर और किस शिफ्ट में है, और इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने पड़ेंगे आइडेंटिफाई के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम में मिलेगी, तो देखते रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी मिस करते हैं तो आप सही से अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर भी कर दें, जिससे उन्हें भी इसकी जानकारी होती रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आगे। तो आपको एक पेज मिलेगा, इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जो भी आपकी आईडी है वो डालनी है, अगर ये नहीं है तो आप अपना जो मोबाइल नंबर एंटर किया था यानी इसमें फॉर्म में जो फिल किया था वो डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पर डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। डीडी का मतलब है दिन, मंथ और ईयर, इस प्रकार से आपको वन बाई वन करते हुए डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर देना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, और सभी में सारी जानकारी आपको मिलेगी, और इस एडमिट कार्ड की जो लिंक रहेगी उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको बिना किसी परेशानी के आप उस लिंक पर पहुँच जाएंगे और आप डायरेक्ट ही अपना एडमिट कार्ड सर्च कर लेंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना छोड़िएगा।